नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे कि अभी पटना के मशहूर डेंटल विशेषज्ञ डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र कुमार है, जदयू पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनका जो एसटीएससी आयोग है जदयू की तरफ से भंग कर दिया गया है। क्यों भंग किया गया, आयोग के ये मेंबर थे या नहीं? सर आप आयुष आयोग में अति पिछड़ा आयोग में है, अति पिछड़ा से आते हैं, आयोग को भंग कर दिया गया जदयू की तरफ से। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, मैं कोई आयोग का मेंबर नहीं था। मैं जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो संवैधानिक पद था और उसको भंग किया गया है। और उसको भंग करने की जो मेन वजह है कि नई सरकार बनी है और चूंकि पुरानी सरकार जो थी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा गठबंधन था, तो उसमें जो भी हमारा आयोग था उसमें जो हमारे साथी थे आरजेडी के उनको भी रखा गया था, उनको भी पद दिया गया था। तो स्वाभाविक बात थी कि जब अब हमारी साथी बीजेपी हो गई है, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो गया है, तो अब नए तरीके से सभी आयोग को विघटन करके और अब नया तरीके से बनाया गया, इसमें कि बीजेपी को भी जगह दिया गया। ये केवल आरजेडी वाले लोगों की आपकी पार्टी में थे उनको हटाने के लिए ही ये आयोग भंग किया गया, आपको कहने का मतलब ये है? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि संवैधानिक पोस्ट था और चूंकि अब बदल गया है हमारा सारा समीकरण ही, अब बीजेपी साथ में है तो स्वाभाविक है कि उनको तो जगह देना ही पड़ेगा, उनको जगह देने के लिए ही ये विघटन किया गया है, ये निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ। हाँ ये निर्णय लिया गया है और बहुत जल्द फिर नया आयोग का गठन किया जाएगा, चला हो जाएगा 12 तारीख को। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पूरे बिहार की जनता जो है आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के विचारों के साथ चलती है और जो हमारे विधायकगण हैं या जो बीजेपी के विधायकगण हैं या जो हमारे अलायंस पार्टियां हैं सब नीतीश जी के प्रति आस्था प्रकट करते हैं और पूरा हमारा अलायंस एकदम मजबूत है और मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाएंगे और जो फ्लोर टेस्ट है उसमें भी हम लोग सफल हो जाएंगे। सर फ्लोर टेस्ट के लिए के पहले कांग्रेस के विधायक को बाहर भेजा गया, हैदराबाद भेजा गया और जो तमाम तरह के जेडीयू के कुछ विधायक थे उनका फोन नंबर वन बताया जा रहा है, जैसे मेरे सूचना तंत्र बता रहे थे, इससे क्या जेडीयू इत्तेफाक रखती है या फिर बेबुनियादी बातें हैं? ये तो बेबुनियाद बात है और कांग्रेस से तो हम लोगों का कोई मतलब है नहीं। अब तो हमारा अलायंस बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के साथ है, कांग्रेस के जो भी विधायक हैं कहाँ हैं नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जनता दल यूनाइटेड पूरा मजबूती के साथ एकजुट है और रहे। जितना मांझी अपने जगह पर ठीक है ना? हाँ वो चूंकि एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के साथ हैं और उनका कहना भी है कि हम लोग हर स्थिति में नीतीश कुमार जी को मजबूत करने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने खुद ही अपना स्टेटमेंट दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। बाकी सरकार की कुछ कमियां हैं या कुछ अब शिक्षा विभाग के लेकर जो के पाठक जो अध्यादेश जो जारी किए हैं, कहा उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक 3 बार में नहीं पास किए जाएंगे उनको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सर जो व्यक्ति 2 साल बचा हुआ, 1 साल बचा हुआ, पूरा लाइफ का 58 साल जो हो गया पूरा शिक्षक भर्ती में, उन सारे लोग को ये दिल खेत पहुंचेगा, उनका परिवार रोड पर आ जाएगी, क्या इन सारे बिंदुओं पर नीतीश कुमार जी क्या नहीं सोच रखते हैं, आपकी पार्टी नहीं सोच रखती है कैसे लोगों के लिए? ये तो देखिए बिहार सरकार का मामला है और के पाठक जी दम सक्षम है, उन्होंने जो शिक्षा विभाग में सुधार लाया वो काबिले तारीफ है। हम लोग सब चाहते भी थे कि शिक्षा में सुधार आए और उन्होंने सुधार करके दिखा दिया है, तो उन्होंने कुछ किया है तो अच्छा ही सोचकर किया होगा, शिक्षकों के भलाई के लिए भी होगा और छात्रों के भी भलाई के लिए। पहले से ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है, अटेंडम लेकर आते हैं ऐसी चीजों पर जिन लोगों का कुछ समय का बचा हुआ 2 साल 1 साल जिसका नौकरी का टाइम बच रहा है उनके साथ इस प्रकार का होगा, के पाठक जी का ही देन है कि सभी शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप वेतनमान भी मिल रहा है और उन लोग को अस्थायी भी करने का काम के पाठक जी ने हमारे बिहार सरकार में किया है। जो इतना ज्यादा उन्होंने काम किया शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, उसको याद कीजिए। और हम तो हमेशा देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो लगातार काम होता रहा बिहार सरकार में और अभी जब के पाठक जी आए तो और भी ज्यादा सुधार करने का काम। सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार वक्त के साथ, हवा के साथ, रूप के साथ उलट जाते हैं और तरह तरह के नाम के साथ संबोधित करते हैं, क्या इन सारे नाम आप भी
उस पार्टी का सिपाही है, अगर क्षेत्र में जाते हैं या और लोग आपके पास आते होंगे, तो इन सारे नामों से आप आपके पास भी लोग बोलते होंगे, तो कैसा लगता होगा उसमें? ऐसा तो नहीं है, हम तो पूरे बिहार में घूमते हैं और पूरे बिहार में देखते हैं कि बिहार की जनता हमेशा बोलती है कि जो बिहार के हित में होता है वो आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। जो बिहार के लोगों की ज़रूरत है, बिहार में जो चाहिए सड़क, पानी, बिजली, सब उन्होंने दिया और आगे भी, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ अगर रहेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा या और भी जो आर्थिक पैकेज चाहिए वो अगर बिहार के प्रगति में अगर आगे बढ़ाना है प्रगति को, तो बीजेपी का साथ इसीलिए उन्होंने लिया है क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार है और उनके साथ रहेंगे तभी बिहार आगे ज़्यादा प्रगति कर पाएगा। या उनको संयोजक नहीं बनाया गया इससे उनका मोह भंग हो गया? ना, ऐसा तो नहीं है, संयोजक तो हम लोगों ने कभी माना भी नहीं, कभी मांगा भी नहीं था और उससे ज़्यादा उसका कद है हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए वो जाने जाते हैं और विकास पुरुष हैं वो पूरे। अगर उनको कभी मौका मिला देश की राजनीति करने का केंद्र में, तो वो पूरे भारत को आगे ले जाने का काम करेंगे और जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाए हैं, बिहार को राज्य का दर्जा दिलाए हैं, भारत के भी जो जितने भी राज्य हैं सभी को विकसित करने का काम करेंगे।